जी के सौजन्य से या फिर सुपरस्टार रचना वैद्य जी पिक करेंगी, कविता जी पिक करेंगी चार का चमत्कार, और राजेश अग्रवाल जी के सौजन्य से आएगा आज का मिथ के फंडा। सस्ता ऑप्शन कल चलते हैं आशीष भैती जी के पास। आशीष जी बताइए क्या पिक कर रहे हैं आज का ऑप्शन ट्रेड आप जी। वीरेन जी, पिडिलाइट इंडस्ट्रीज की पुट में खरीदारी की सलाह रहेगी। आई थिंक इसे पुट के थ्रू ही प्ले करना बेटर रहेगा, क्योंकि जिस हिसाब की गिरावट है आई है पिडिलाइट में, ये अलार्मिंग है। और 3200 का जो पुट राइटर का जोन है उसे चैलेंज करता हुआ देखने मिल रहा है ये स्टॉक। हमें लग रहा है 75 पे पुट चल रही है, यहाँ पे खरीदारी की जा सकती है। जो स्टॉप लॉस में मेंटेन करना है वो 60 रुपीज का एक एसएल मेंटेन करें। हमें लगता है जो पहला टारगेट है वो 90 और 120 के टारगेट के लिए इसमें खरीदारी की जा सकती है। चले तो ये पिडिलाइट पर आपके लिए राय 3% नीचे। इनफैक्ट पिडिलाइट से ही अब फोकस कच्चे तेल पर बढ़ाते हैं, जहां पर मनीषा भी तैयार हो गई हमें बताने के लिए कि क्या एक्शन बनता दिखाई देगा। मनीषा से जानेंगे, लेकिन एफएनओ सुपरस्टार का ये कड़ी खत्म कर देते हैं। रचना जी सॉरी, एफएनओ सुपरस्टार जी। एफएनओ सुपरस्टार के लिए मैं चुनूंगी एसीसी के फ्यूचर्स को, जिसको हम शॉर्ट करेंगे। तो यहाँ पे एसीसी के फ्यूचर्स 2828 पे ट्रेड कर रहे हैं एज ऑफ नाउ। यहाँ पे 2428 पे ट्रेड कर रहे हैं। 2450 का एसएल अगर यहाँ लगाएंगे हम, और अगर शॉर्ट जाएंगे तो डाउनसाइड पे हमारा पहला टारगेट होगा 2400 और उसके बाद 2380। ओके, तो आपका ट्रेड हो गया एसीसी फ्यूचर्स शॉर्ट। कविता जी, आप क्या ट्रेड पिक कर रही हैं चार के चमत्कार के लिए? या सो बिरेन जी, बर्जर पेंट्स को शॉर्ट करेंगे। अन्य डेली चार्ट के अपने 50 EMA के नीचे जा चुका है और आज के दिन के लो को ये ब्रेकडाउन करते हुए दिख रहा है। सो 565-560 के प्राइस टारगेट के लिए बर्जर पेंट्स पर आप एक शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 581 का। ओके, बर्जर पेंट्स पिकवाली का एक और ट्रेड आता हुआ। राजेश अग्रवाल जी, आपका एक ट्रेड बचा है, फिर मिड कैप फंडा क्या रहेगा? डेटा पैटर्न्स के साथ जाना चाहेंगे। 52 वीक हाई अगर आप देखो तो 3600 रुपए के आसपास है और इस बार 2300 में कारोबार कर रहा है। बहुत कंफर्ट दे रहा है प्राइस का जो करेक्शन आया है। डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम की एक सेक्टर में एक बड़ी कंपनी है और डिफेंस फैक्टर में, डिफेंस मार्केट में जिस तरह की ग्रोथ हो रही है उसे इनकैश करने की बात है। खास करके जो इंपोर्ट रेस्ट्रिक्शन आया है डिफेंस प्रोडक्ट्स में उसको लेकर के, और इनके कई प्रोडक्ट ऐसे हैं जो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट्स हैं और डिफेंस मेजर जैसे DRDO HAL के साथ ये कामकाज कर रही है। FY25 का गाइडेंस इन्होंने 20-25% रेवेन्यू ग्रोथ का और 35-40% EBITDA मार्जिन्स का दिया है और करीब करीब 2,000-3,000 करोड़ के ऑर्डर के ये अगले 3-4 साल में इनको उम्मीद है। इस वक्त की ऑर्डर बुक अगर आप देखो तो 1200 करोड़ की है जो कि 2 साल के रेवेन्यू के बराबर है, तो रेवेन्यू विजिबिलिटी अच्छी है। वैल्यूएशन देखेंगे तो 42x FY26 के अर्निंग्स पे ट्रेड कर रहा है जो कि अच्छा लग रहा है। तो सॉलिड विजिबिलिटी ऑफ रेवेन्यू ग्रोथ, अच्छे वैल्यूएशंस, अच्छी ऑर्डर बुक और डिफेंस का एक बड़ा मार्केट, मुझे लगता है इस स्टॉक पे ध्यान देना चाहिए। हमारे हिसाब से साल भर में कम से कम 20-25% की बढ़त इसमें हो सकती है। डेटा पैटर्न्स आपके लिए करीब 1.5% के गेन्स दिखा रहा है, यहाँ पर एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से व्यू। फटाफट से मैं आपके लिए वो ट्रेड्स रिकैप कर रही हूँ। शुरुआत हमने सस्ता ऑप्शन में पिडिलाइट की चर्चा से की, 3200 का यहाँ पर आप पुट लेकर चलेंगे, 90 का टारगेट रहेगा, 76 के आसपास है माइंड यू ये ट्रेड इस समय। दूसरी तरफ ACC पर भी शॉर्ट कॉल आ रहा है, 2400 और फिर 2380 के टारगेट के लिए मंदी का ट्रेड। ACC के बाद बर्जर पेंट भी कविता जी कह रही हैं मंदी ही करनी है, 565-560 के टारगेट्स रहेंगे और फिर डेटा पैटर्न्स पर एक राय आ रही है जहां पर एक और शॉर्ट कॉल आ रहा है। अच्छा, स्पीच आईडिया